രാജ്യത്തെ വാക്യ പകലാ അധ്യായക്ക അധാര വചൻ പടങ്കി कितना अच्छा बात हमने यहाँ पर पढ़ा। प्रभु यीशु मसीह बोलता है मैं मर गया था लेकिन देखो मैं सदा के लिए जीवंदा हूँ और साथ ही साथ मृत्यु और अधोलोक का कुंजिया मेरे पास है। मतलब कुंजी किसको बताता है? अधिकार को, प्रेसर है ना। मतलब अभी मृत्यु का अधिकार किसके हाथ में है? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। मतलब प्रभु यीशु मसीह की अनुमति बिना कोई भी व्यक्ति मर नहीं सकता। कितना अनोखा बात है। तो यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही हाथ में है, मतलब प्रभु के हाथ में है। प्रियो वास्तव में हम लोग कितना धन्य लोग हैं क्योंकि हमने जिंदा प्रभु पर विश्वास किया। आज हमारे जीवन में हमको ये अनुग्रह मिला कि हम लोग जीवित प्रभु के साथ अपना नाता जोड़कर जीवन बिताने की बड़ी कृपा प्रभु ने हमें दिया। अगर यीशु मसीह जी नहीं उड़ा तो क्या होता, आप सोचिए है। मतलब तो इस दुनिया में ऐसा बहुत से धर्म है, बहुत से विश्वास है ना। बहुत लोगों को अपना मतलब देवी देवता समझते हैं, ईश्वर समझते हैं, परंतु उनमें बिल्कुल एक अलग बात है प्रभु का बात। प्रभु यीशु मसीह की बात एकदम हर बात में से अलग है। यीशु मसीह में हम हर एक बात को जन्म से लेकर के जीवन मृत्यु ये उठना ये सारे बात हम पूर्ण रूप में, क्योंकि वो सच्चाई है, उसको छोड़ करके एक सच्चाई नहीं। इसके बारे में मतलब प्रभु प्रमाणित करने के समय में और प्रेरित पौलुस एक भाग में इसका महत्व वर्णन करने वाला एक भाग पहला कुरिन्थी 15 अध्याय में है। उसका 15 अध्याय का पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 14 से 19 तक का वचन में मैंने इस बात को एकदम सबूत करने वाला 6 सवाल और उसका उत्तर के रूप में ये बात हमारा हम लोग वहाँ पर देखता है। बहुत अनमोल बात है, थोड़ा रुक रुक करके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मतलब उसका 14 वचन पढ़िएगा। तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। मतलब प्रभु यीशु मसीह अगर जी नहीं उड़ा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है, और तो अभी व्यर्थ नहीं है क्योंकि वो जी उड़ा। अगर प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उड़ा होता तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ हो गया, और तो अभी व्यर्थ नहीं। वो बात व्यर्थ नहीं, हमारा प्रचार व्यर्थ नहीं क्योंकि वो जी उड़ा है। और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। हाँ, मतलब अगर जी नहीं उड़ा होता तो हमारा विश्वास व्यर्थ। मतलब आज हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं, आज हमारा विश्वास बहुत लाभदायक है। देखिए कितना बड़ी बात है। मतलब प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान में सब कुछ छिपा हुआ है। कितना गहरी बात है प्रियो है। यहाँ पर मतलब पौलुस ये बात को एकदम मजबूत रीति में बताता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह अगर जी नहीं उड़ा तो हमारा प्रचार व्यर्थ है, विश्वास व्यर्थ है। और तो अभी हमारा प्रचार व्यर्थ नहीं, हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं क्योंकि हमारे यीशु मसीह जी उड़ा है। उसके आगे 15 वचन, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह दे रहे। देखा, आज हम झूठा गवाह नहीं, हम झूठा गवाह नहीं, हम सच्चा गवाह है क्योंकि हम सच्चाई की गवाही देता है। ओह क्या अनमोल बात है प्रियो, हमारे गवाही सच्चे है ना। ये कोई झूठ मूठ का गवाही की बात नहीं, ये सच्चा गवाही है। और उसका 17 वचन, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। तुम पापों में फंसे हैं, पर जो हम पापों में फंसा नहीं, हमें पाप से मुक्ति मिला है क्योंकि हमारे यीशु मसीह जी उड़ा। प्रभु यीशु मसीह जी उड़ा तो हमें उसका लाभ मिला। कितना धन्य बात है प्रियो। यदि प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उड़ा होता तो हम लोग गलत झूठा विश्वास मतलब प्रचार सुन करके झूठा विश्वास करके हम लोग पाप में फंसा हुआ न हो में रहता।
और जो अभी हम पाव में बसा हुआ अनुभव में नहीं है, हमने विश्वास किया है तो हमें पाप क्षमा मिला है। प्रेज द लॉर्ड, कितना धन्यवाद है प्रियो, हमें पाप क्षमा मिला, मसीह लोग पाप क्षमा पाया वो लोग है। आमीन, सही बात है। प्रेज द लॉर्ड, सही बात है, तो आमीन बोलना चाहिए ना। हाँ, तो आपको समझ में आ रहा है तो जरूर बोलेगा। तो प्रियो, हमें पाप क्षमा मिला, हमने जो भी प्रचार सुना, मैंने हमने सच्चा प्रचार सुना, हमने जो विश्वास किया, हमने सच्चाई पर विश्वास किया, हमने जो भी गवाही दिया वो सच्चा गवाही दिया, झूठ गवाही नहीं, सच्चा गवाही दिया। और इतना ही नहीं, अभी हम पाप में नहीं, हम प्रभु में है, हम यीशु मसीह में है। प्रभु ने हमें पाप से छुड़ाया, प्रभु ने हमें पाप क्षमा दे करके प्रभु यीशु मसीह में पिता ने हमको रखा। कितना धन्यवाद है ना। और उसका 18 वचन, माने यीशु मसीह अगर जी नहीं उड़ा है तो, जी नहीं उड़ा है तो यीशु मसीह में आशा करके मर गया वो लोग, नष्ट हो गया, पर तो अभी नष्ट नहीं हुआ, अभी वो नष्ट नहीं हुआ, यीशु मसीह में मरा वो लोग जी उड़ेगा। कितना अनोखा बात है प्रियो, यीशु मसीह में जी उड़ा लोग, मरा वो लोग जी उड़ेगा, वो लोग व्यर्थ नहीं हुआ, वो लोग नष्ट नहीं हुआ, है ना। कितना अनोखी बात है। आखिर उसका 19 वचन, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह में आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे। अभी हम अभागा नहीं है, हम धन्य लोग हैं, क्योंकि हम इस जीवन में नहीं, अनंतदा अनंत काल का जीवन में आशा किया है। प्रयोग यीशु मसीह जी उठने के द्वारा, यदि यीशु मसीह जी नहीं उड़ा तो इन बातों में हमें कोई ये छे का छे बात, मतलब हमारा प्रचार व्यर्थ होता, हमारा विश्वास व्यर्थ होता, हमारा गवाही झूठा होता, और हम अपनी पाप में रहता, और हम हमारा जो प्रभु में विश्वास करके जो सो गया था उनके प्रति भी हमें कोई आशा नहीं होना था। आखिर में हम लोग अभागा नहीं, कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है, आप सोचिए। मैंने प्रेषित पौलुस इन बातों को अच्छी तरह सबूत करके इन बातों को बता रहा है, हमें बात को जानना है ना। प्रभु यीशु मसीह जी उड़ा है ना, प्रभु यीशु मसीह जी उड़ने के द्वारा, मतलब हमारे लिए, हमारे संबंध में बोला तो तीनों समय में, मतलब भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इसके संबंध में हमें कई प्रकार का लाभ की काम हुआ है। तो भूतकाल के संबंध में हमें क्या लाभ हुआ, जब रोमियो का पत्री उसका 4:24, रोमियो उसका 4:24, देखिए बहुत अनमोल बात है यहाँ पर बोलता है प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जिला जिंदा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें क्या मिला, धार्मिकता मिला, क्या मिला, धार्मिकता मिला। प्रियो सबसे बड़ी बात है, अगर यीशु मसीह मृतकों से जी नहीं उड़ाता तो हमारा विश्वास के द्वारा हमें धार्मिकता प्राप्त नहीं होता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह मृतकों से तीसरा दिन जी उड़ने के द्वारा हमें धार्मिकता प्राप्त हुआ। आपको मालूम है यीशु मसीह जी उठना अनिवार्य था, है ना। यीशु मसीह जी उठने के द्वारा यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं बना, और तू परमेश्वर का पुत्र था इसलिए जी उड़ा, है ना। जब उसका रोमियो का पत्री 5:5 में, है ना, ये सारी बात, कितना अनमोल बात है, कितना अनोखा बात है। आप पढ़िएगा उसका 1:5, रोमियो 1:5, हिंदी में 4 है, माने सॉरी मलयालम में 5 है। तो आप देखिए यहाँ पर, मतलब ये उड़ने के द्वारा यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र बना, ऐसा है क्या, नहीं नहीं नहीं, मतलब सबसे बड़ी बात है वो परमेश्वर के पुत्र था इसलिए जी उड़ा। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का पुत्र था इसलिए वो जी उड़ा। यीशु मसीह को अपना प्राण देने का और लेने का अधिकार था, वो परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर का पुत्र होने के कारण वो जी उड़ा हुआ। प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा हमें धार्मिकता प्राप्त हुआ।
कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब भूतकाल के अनुभव में यीशु मसीह की इस जी उठने में विश्वास करने के द्वारा हमें क्या मिला, धार्मिकता प्राप्त हुआ, कितना अनमोल बात है। दूसरी बात, जब वर्तमान युग में हमें क्या लाभ हुआ, जब एफेसियों का पत्र ही उसके पहला अध्याय उसका 19 और 20 वचन पढ़ेंगे, एफेसियों उसका पहला अध्याय का 19 और 20 वचन। अब देखिए क्या हम एक विषय आप लोग जानना, परमेश्वर का उस सर्वशक्ति का सबसे बड़ा प्रदर्शन क्या है, परमेश्वर का सर्वशक्ति का, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सबसे बड़ा प्रदर्शन, मेरा भाषा आपको समझ में आ रहा है ना, मतलब परमेश्वर का इस दुनिया में हम बहुत कुछ देखता है ना। अभी हम आकाश विदान में देखा गया तो बहुत ताराओं को हमें रात काल में दिखाई देता है, ऐसे हमारे मतलब नॉलेज में बहुत ग्रह उपग्रह सब कुछ है, वो सब घूम रहा है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य का सबसे बड़ा प्रदर्शन क्या है, परमेश्वर का शक्ति का सबसे बड़ा प्रदर्शन अपना पुत्र का पुनरुत्थान है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान है। आप देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, दुनिया का सारा सामर्थ्य मिलकर के काम करेगा तो भी एक व्यक्ति का पुनरुत्थान होगा क्या? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। देखो एक हल्की बात नहीं, एक छोटी बात नहीं, एक महान बात है, एक महान बात बोलेगा तो महान से महान बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सबसे बड़ा मतलब अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन है प्रभु यीशु मसीह मृतकों से तीसरे दिन जी उठा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। ये बात को हमें समझना कितना बात है प्रियो, हमारे जीवन में आज वो सामर्थ्य कैसे काम करता है, एक मसीह जीवन का भी रहस्य सामर्थ्य, एक मसीह जीवन का भी रहस्य ये सामर्थ्य। मैं आपको बताना चाहता हूं, मतलब आज हमें एक मसीह जीवन बिताने के लिए ये सामर्थ्य हमारे में काम करता है, तभी हम विजयी जीवन बिता पाता है ना। जब एफेसियों का पत्र तीसरा अध्याय उसका 16 वचन, एफेसियों 3:16, तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से, देखा उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर, देखा देखा है, प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोगों में प्रभु की उस आत्मा के द्वारा सामर्थ्य मिलता है प्रियो, उस सामर्थ्य में ही हम एक विजयी जीवन बिता सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, प्रभु का अनेक काम प्रभु की आत्मा का सामर्थ्य में ही चलता है। आज आप यहां तक आया है ना, प्रभु का आत्मा का सामर्थ्य, आपका सामर्थ्य नहीं, हम किसी का सामर्थ्य नहीं, प्रभु की आत्मा ने आपको मदद किया, प्रभु की आत्मा की सामर्थ्य आपको प्रभु की उपस्थिति में लेकर आया। कई बार हम लोग वो बात को नहीं समझता, हमको लगता है कि मैं तो ऐसे ही नॉर्मल डीडी में आया, नॉर्मल डीडी में नहीं आया प्रियो, वचन जो कहता है उसको समझो, है उसको समझो, है ना। प्रभु की आत्मा की सामर्थ्य ने आपको यहाँ पर पहुंचाया, है ना। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, जो भी व्यक्ति इवन प्रभु की सेवकाई करता है, प्रभु की सेवकाई, प्रभु में प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रभु की सेवकाई करता है, तो वो सेवकाई तक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, वो सामर्थ्य में है, इसके अलावा नहीं। उस आत्मा का नियुक्ति और आत्मा का सामर्थ्य बिना प्रभु की सेवकाई नहीं कर सकता, है ना। प्रेरित पौलुस वही एफेसियों 3:7, उस दान के अनुसार देखा, मतलब उसकी सामर्थ्य मीन्स क्या है, उसकी सामर्थ्य उसकी आत्मा है। बहुत प्रार्थना से रहना, आप उस विषय को थोड़ा अच्छी तरह समझना है।
योम हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उसकी सामर्थ बोलेगा तो उसकी आत्मा है, उसकी सामर्थ बोल दिया तो वहां पर हमें क्या ध्यान देना चाहिए? उसकी आत्मा, उसकी आत्मा है। ग्रेस आगे आ जाओ, आगे आगे बढ़ो। तो सबसे बड़ी बात, जो भी बड़े लोग आएगा, बच्चे लोग, सुरंत आगे आने का वो तो सबसे बड़ी बात है। हमारे जीवन में हमको ये बात को जानना प्रियो उसकी आत्मा से, है ना। जब प्रभु ने प्रभु स्वर्ग जाने के टाइम पर भी प्रभु अपने चेलों को क्या बोला था, तुम लोग अभी बहुत कुछ सीखा है, तुम लोग जाओ मतलब मेरा काम करो, ऐसा बोला नहीं बोला, है ना। उसके लिए क्या चाहिए? सामर्थ चाहिए, सामर्थ चाहिए, सामर्थ चाहिए। तो उसके पीछे कौन काम करता? आत्मा काम करता प्रियो, है ना। जब प्रेरितों का 12 अध्याय का 8 वचन खास करके ये सब बात आप लोगों को मालूम है, लेकिन नए नए लोगों के लिए भी समझने के लिए बात पढ़ा रहा हूँ। प्रेरितों का उसका 12 अध्याय का 8 वचन हाँ, देखा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो क्या होगा? तुम सामर्थ पाएगा। ए, वो सामर्थ तुम्हें क्या करना? यरूशलेम में, यहूदिया में, समरिया में जाकर के मेरा गवाह बनना। प्रियो, अपनी ताकत में कभी नहीं जाना है, हमें प्रभु से सामर्थ पा करके, कितना बड़ी बात है प्रियो, हमें प्रभु से सामर्थ पा करके, प्रभु की आत्मा की सामर्थ में ये सारे कामों को करना है। प्रभु की आत्मा का सामर्थ में, आपको मालूम है जब हमारे जीवन में कैसा भी प्रकार का अवस्था में हमें गुजरना पड़ेगा, हो सकता है कई प्रकार का तकलीफ, अभी मैं कई प्रकार का तकलीफ में खड़ा हूँ, लेकिन प्रभु मेरे को सामर्थ दे रहे हैं, प्रभु की आत्मा के सामर्थ में मैं अभी खड़ा हूँ, तो ये सच्ची बात है, है? और क्योंकि ये सामर्थ का बड़ा खूबी क्या मालूम है, दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय का 9 वचन पड़ेगा तो वहां पर यीशु मसीह ने अपना पौलुस को समझाने के टाइम पर उड़ा कर कहा हुआ एक शब्द है, उसने मतलब प्रभु यीशु ने पौलुस से कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। देखा क्या होता, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। देखो प्रियो, प्रभु का सामर्थ में निर्बल है बोल करके हमें ऐसा कहीं ना कहीं पढ़ा रहने के लिए प्रभु कभी नहीं चाहता। प्रेज द लॉर्ड, हमें कभी भी मैं कमजोर है, मैं मलहीन है, ऐसा बोल करके रहने के लिए प्रभु कभी नहीं चाहता। आप प्रभु से सामर्थ पालो, प्रभु की सामर्थ आपका जीवन में काम करने दो, काम करने दो। देखो मेरे को थोड़ी देर पहले तक बात करने के लिए दिक्कत था, लेकिन आवाज साउंड कितना अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड, मेरा पीछे दिन में ऐसा उल्टी हुआ, जिंदगी में कभी हुआ नहीं, पूरा शरीर पेन कर रहा है, बात करने के लिए बहुत कठिन था, लेकिन देखो अभी कैसा आवाज आ रहा है, कोई दिक्कत है? सुनने वालों को कोई दिक्कत है? मेरे को मालूम है प्रभु सामर्थ देगा। मैं हजारों बार अनुभव किया है, मैं कभी भी अपनी दुर्बलता के कारण मैं कभी भी थका नहीं पी, खड़ा होता है तो मुझे मालूम है प्रभु अपना सामर्थ देकर चलाएगा, चलाएगा, क्योंकि प्रेरितों का अनुभव हमारा भी अनुभव है। इस समय में भी हमारे प्रभु जिंदा है, जैसे उस दिन आज भी ऐसे करता है ना। प्रेरित पौलुस हमारा अपने जीवन की कोई ऐसा मतलब की कमजोरी अवस्था में भी वो एक बात कहा, फिलिपियों 4 अध्याय का 13 वचन आपको याद है, जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं कुछ कुछ काम किया, ऐसे है क्या? नहीं है ना। उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे आत्मीय जीवन का हर अवस्था में हम एक लड़ाई के मैदान में, हम लोग लड़ाई की मैदान छोड़ करके एक अनुभव हमारे है ही नहीं। जब से प्रभु में आया है तब से हम लड़ाई की मैदान में, कभी कभी लड़ाई का थोड़ा जोर बढ़ता है वो बता लगे, लेकिन है तो लड़ाई है ना। अभी दक्षिण यूक्रेन का लड़ाई वाला आप देखा ना, हाँ, अभी रशिया कभी कभी थोड़ा जोर बढ़ाता है, आप लोगों ने देख रहा है, हाँ, तो अभी वो जोर बढ़ने के टाइम पर बहुत तकलीफ होता है। तो हमें हमारे अभी जीवन में ऐसा ये लड़ाई जिंदगी पर चलते रहेगा, आखिरी श्वास तक चलते रहेगा, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है ना। जब दूसरा तिमोथी 5 अध्याय का 7-8 वचन दूसरा तिमोथी 5 अध्याय का 7-8 वचन हाँ, उस परमेश्वर के सामर्थ के अनुसार सुसमाचार
देखा प्रियो, बहुत बड़ी बात है। उस सामर्थ्य के अनुसार प्रभु जो हमें सामर्थ्य देता है, उस सामर्थ्य के अनुसार हमें दुख उड़ाते हुए आगे जाना है ना। दुख आ गया है तो अपन कोई निराश दुखी नहीं होने का, पीछे नहीं हटने का प्रियो, हमें उसमें और भी उत्साह के साथ आगे बढ़ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीह जीवन का गौरव हमें जानना चाहिए प्रियो। इस दुनिया के जीवन में एक भी मसीह व्यक्ति अपने सामर्थ्य में ताकत में होकर के नहीं चलता, और हमें उस आनंददायक दर्शन में चलने के लिए हमें प्रभु के उस आत्मा का सहायता चाहिए। प्रभु ने हमको ये सारे बात उपलब्ध किया है, इस जीवन में रह करके अनंत काल की बातों को प्राप्त करने की सुविधाएं इस सामर्थ्य में होकर के प्रभु ने किया, उसका एक अनोखा वजन। आप माना दूसरा पत्रोस उसका पहला अध्याय का तीसरा वजन में देख सकता है, दूसरा पत्रोस उसका पहला अध्याय का तीसरा वजन, उसकी देखा उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने देखा देखा सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, दिया है जिसने हमें अपनी ही महिमा और सदगुण के अनुसार बुलाया है। ओह देखा, बुलाहट पाया हुआ प्रभु में, चुनौती पाया हुआ सबको ये दुनिया के जीवन के लिए भक्ति के लिए जो भी स्वर्गीय सामर्थ्य की जरूरत है प्रभु ने दिया है। आप देखो प्रियो कितना अनमोल बात है, कितने लोग समझा, समझ में आ रहा है कि नहीं है। हम लोग अपनी ताकत में भक्ति कर सकता है, नहीं कर सकता भाई। अगर हम कोई भी ऐसे सोचेगा मैं मेरी ताकत में भक्ति कर सकता है, इससे बड़ा धोखा कुछ भी नहीं होने का है ना। हमें अपने आप को परखना है, हमें इस छोटा सा जीवन में हमारा जीवन के लिए भक्ति के लिए स्वर्ग हमें मदद करता है, स्वर्गीय मदद के द्वारा। वर्तमान युग में हमारे जीवन पूर्ण रूप में मतलब प्रभु का उस पुनरुत्थान पाने के द्वारा या प्रभु महिमा में प्रवेश करके पवित्र आत्मा को भेजने के द्वारा मतलब प्रभु का लोगों को ये सामर्थ्य मिला, ये अनुग्रह मिला, इतनी बड़ी बात है। इस मतलब वर्तमान समय में मतलब प्रभु का पुनरुत्थान कितना अनोखा रीति में हमारे जीवन में काम करता है। अभी भविष्य के लिए प्रभु कैसे काम करता है ये भी एक बड़ी बात है ना। भविष्य के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह को जिलाया हुआ प्रभु हमें छोड़ेगा नहीं, हमें भी जिलाएगा, एक बड़ा जीवित आशा है। देखिए ये दुनिया में ऐसा आशा कहाँ पर मिलेगा प्रियो, है उन्होंने विश्वास किया हुआ उन लोगों को जी उड़ा है क्या, नहीं जी उड़ा। परंतु प्रियो प्रभु का वचन है ना, कॉपी भी ना बदलने वाला प्रभु का वचन में लिखा है, दूसरा पहला कुरिन्थी 6 अध्याय का 14 वचन, पहला कुरिन्थी 6 अध्याय का 14 वचन, देखिए परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से यीशु मसीह को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। देखा बहुत कम लोग आमेन बोलता है, आपको विश्वास नहीं है, विश्वास करने वाला आमेन बोलेगा, ऐसे वाला शब्द वाला सुनने से कैसे आमेन नहीं बोलेगा प्रिय, आमेन बोलेगा, आपको विश्वास नहीं है। मैं एक बात आपको बोलता हूँ ना, एक सच्चा विश्वासी बातों को अगर वो बात मेरे संबंध में भी सही है करके जानता है समझता है तुरंत वो आमेन बोलना चाहिए, एक बार नहीं हजार बार बताए वो बात है। लेकिन क्या मालूम आशा नहीं होगा है, उसको जबरदस्ती बोलने के लिए कोई जरूरत नहीं, जिसमें ये आशा है वो जरूर आमेन बोलेगा, बोलना चाहिए। ओके, और वो भी आमेन कैसे बोलना चाहिए है, हाँ प्रभु का महिमा के लिए ना, जोर से प्रभु की आराधना कैसे होता है, कैसे होता है हैं, प्रभु की आराधना धीरे से होता है, धन्यवाद वगैरह कई लोग धन्यवाद देता है तो हाँ धन्यवाद दे रहे हैं कैसे, दिल से ऊट हिला करके, देखो स्वर्ग में कैसे होता है। हाँ देखो आपको डाउट है तो पहला प्रकाश के 5 अध्याय का 12 वचन में शुरुआत थोड़ा देखो, देखा कैसे जब कहते थे, इधर ही प्रभु का बात के लिए हमारे शब्द आता नहीं है ना, कई लोगों का गवाही सुनेगा तो मालूम पड़ेगा वो मतलब 2 महीना से भूखा है उपवास में,
सब्जी नहीं, पड़ोस में बैठा हुआ लोगों को भी इतना खान देना पड़ता है, हम तक नहीं पहुंचेगा। कैसा प्रयोग, कैसा एक बात है, ये है क्या सच्चा भक्ति ना, ये है क्या स्वर्ग का सामर्थ्य पाया हुआ लोगों का चिन्ह? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। ये मतलब किस लिए आप प्रभु की उपस्थिति में भी झूठा नाटक खेलते हो? अच्छा नहीं प्रियो, हमें सच्चा बनना है ना, हमें मिला हुआ आत्मा पवित्र आत्मा है, सच्चाई की आत्मा है ना, हर एक बातों में सच्चाई होना बहुत जरूरी बात है। अभी यहाँ पर भविष्य के लिए क्या है कि प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह को वापस एक बार पढ़ेगी वो शब्द को, पहला कुरिंथी 6:14, मतलब पिता परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। हाँ, क्योंकि पिता ने हमको मसीह में देखा है, पिता ने हमको मसीह में देखा है, तो वचन कहता है कि हमको भी जिलाएगा। सच में ये बात का पक्का विश्वास हमें है क्या, है ना? दूसरा कुरिंथी 4:14 उसका 14 वचन, दूसरा कुरिंथी 4:14 का 14 वचन, हम जानते हैं हाँ, जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा। देखा, वही हमें भी यीशु मसीह में भागी जानकर जिलाएगा, जिलाएगा, पक्की बात है। जिन्होंने भी प्रभु की आत्मा पाया है प्रियो, वो जिलाए जाएगा। मैं इसी कारण आपको बताता हूँ, हमेशा हमारे जीवन में हमें ये बात को परखकर देखना है, जानना है, मैंने सही में आत्मा पाया है कि नहीं, है मैं विश्वास करके आत्मा को पाया है कि नहीं, है ना, वो आत्मा में मैं चल पा रहा है कि नहीं, आत्मा में मैं प्रभु की वाणियों को सुन पा रहा है कि नहीं, आत्मा में इन बातों को मैं समझ पा रहा है कि नहीं, ये बातों को हमें जानना चाहिए। देखिए कितना साफ साफ बताया है, एक उदार पायो व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाए जाने वाला आशा दे करके उदार किया। यीशु मसीह को जिलाया हुआ पिता तुम्हें भी जिलाएगा, ये बात हमारा उदार का समय में ही प्रभु ने हमारे अंदर दिया है ना, रोमियो का पत्री 8:23-24, रोमियो 8:23। केवल वही नहीं, हाँ, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप भी अपने में कराते हैं, आप भी अपना में कराते हैं, और लेपालक होने की अर्थात अपने देह की छुटकारे की बात जोते है, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। ठीक है, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। प्रियो कितना बड़ी बात है, उद्धार पाया हुआ सबके अंदर ये जीवित आशा है, एक दिन मेरा प्रभु यीशु मसीह आएगा और मुझको भी जिलाएगा, अपने साथ लेकर जाएगा। उसका 11 वचन पढ़ना, 8:11। उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए से जिलाया तुम्हें बसा हुआ है, क्या सुंदर बात है प्रियो, है प्रियो, जिन्होंने भी प्रभु का आत्मा पाया है वो जरूर एक दिन जिलाया जाएगा, है ना? ऐसे भी आपको मालूम है, मतलब आप विश्वासी हो अविश्वासी हो एक दिन जिलाया जाएगा ही, अविश्वासी को भी जिलाएगा, लेकिन उससे एकदम फर्क बात है विश्वासी का पुनरुत्थान, है ना? तो ये बात है। तो अभी हमारे जीवन में मैं प्रभु की आत्मा पा करके प्रभु की राह पर चलता है तो प्रभु के आगमन में मैं उस पहला पुनरुत्थान में मुझे भाग मिलेगा, ये बात है ना? हमारे प्रभु यीशु मसीह आएगा। मैं आपको बताता हूँ, जो लोग ये जो दोनों बात अलग अलग समय में है, अलग अलग समय में है, कम से कम पवित्र लोगों की पुनरुत्थान के बाद में कम से कम 1007 साल के बाद में दुष्टों का पुनरुत्थान, ये समय अपने को मालूम मालूम है ना? पवित्र लोगों का पुनरुत्थान के बाद में कम से कम 1007 साल, क्योंकि पवित्र लोग चला जाएगा, 7 साल महाक्लेश रहेगा, 1000 साल प्रभु का राज रहेगा, इसके बाद में उनका पुनरुत्थान 1007 साल। देखा काउंट मतलब बाइबल से मिलता है कि नहीं है? हाँ, अभी मतलब ऐसे भी है गुमगाम करके, अभी एकदम हम लोग प्रभु का आगमन और पुनरुत्थान के एकदम बहुत निकटता में है, लेकिन प्रियो हमको मालूम नहीं किस घड़ी को प्रभु आएगा, आशा करते आज आएगा, उस आशा में तैयार रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने बार बार यीशु मसीह दुनिया में रहने के टाइम पर भी चेलों को बोलने का एक ही सत्य थे, प्रभु को तो मालूम है सब, लेकिन चेलो लोग सो ना जाने के लिए
मत्ती 24 अध्याय का 44 वचन, देखा मतलब प्रभु का आगमन आप लोग या हम लोग कोई भी सोचते ही नहीं होगा ऐसे समय में आ जाएगा करके कितने लोगों सोचा आप देखो मैं कोई नहीं सोचा होगा आज प्रभु आएगा करके, अभी तक आया नहीं लेकिन आज के दिन में अभी आराधना के बीच में भी ललकार हो सकता है, लेकिन ललकार हो सकता है। एक सच्चा प्रभु का कांदा या प्रभु की मंडली, प्रभु की मंडली का एक अनोखा अनुभव क्या है ना, वो रोज उसके जीवन में प्रभु के वचन के आधार में अपनी तैयारियों में लगा रहेगा, क्योंकि बाद में तैयारी करने के लिए मौका नहीं। जब प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसका 19 अध्याय का 7-8 वचन पढ़ना, हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, उसको शुद्ध और चमकदार महीम मंडल पहनने का अधिकार दिया गया। उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया। इसका मतलब क्या है कि ये तैयारी हरेक इंडिविजुअल का है, हरेक लोगों को अपने आप को तैयार करना है। हमें आपको परखना है कि मेरा तैयारी का अंत हुआ है ना। अगर आज प्रभु बोलता है कि मैं आज आ रहा हूं करके बोलेगा तो कैसे होगा है? मैंने आपको कई बार बोला वो मरियम का कहानी है ना, मरियम प्रार्थना में आता है, रोज आता है, सब लोग जाएगा तो भी मरियम नहीं जाता, इधर कोई मरियम नहीं बैठा, इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो फिर आप बोलेगा मेरे बारे में बोला नहीं सर, कई बार ऐसे ही चक्कर होता है। ये मरियम के कारण ओ क्या बोलता है उसको असिस्टेंट बादी, असिस्टेंट बादी नहीं वो जिसको चापड़ी चापड़ी उसको दरवाजे बंद करके जाने के लिए तकलीफ होता है, क्योंकि सब लोग जाने के बाद में मरियम का एक स्पेशल प्रार्थना रहता है। वो स्पेशल प्रार्थना क्या है, प्रभु आप जल्दी आओ, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे को जल्दी लेकर जाओ प्रभु, प्रभु आपको मालूम है मेरे बच्चे लोग मेरे को कितना परेशान करता है, मेरे पड़ोसी मुझे कितना परेशान करता है, ये मंडली के लोग मुझे कितना परेशान करता है, सबके बारे में कपड़े नहीं बोलते बोलते आधा घंटा उसका प्रार्थना रहता, ए बोला बाप रे ये इसको हाथ पकड़ करके तो बाहर नहीं कर सकता, ये भी बाहर जाने के बाद में ही बंद कर सकता है। अभी वो रोज अभी आखिर में उसने एक उपाय निकाला, चलो इसका प्रार्थना कैसे बंद होगा देखते हैं। उसने क्या किया, उन्होंने बहुत बड़ा मतलब हाल है ना, वो छत है छत, छत के ऊपर उसने क्या कर दिया, पहले से ये आगे आकर के वो प्रार्थना करने के जगह पर उसने क्या कर दिया, वो उस छत के ऊपर एक टोकरी बांध दिया। एक टोकरी बांधने के बाद में मतलब अभी मरियम रोज के जैसा मतलब आकर के चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा, तब वो उसने उधर से धीरे से वो टोकरी नीचे करते हुए बोला, मरियम आज मैं तुझे लेने के लिए ये टोकरी भेजता हूं। उसने ये देखा तो वो एक तो बोलता, प्रभु प्लीज अभी नहीं प्रभु एक हफ्ते के बाद, क्योंकि मेरे को ना कल मेरा चिट्ठी का पैसा मिलने वाला है और परसों मेरा मतलब कुछ ऐसा काम, हमने उसने कुछ डिटेल बताने से देखा। अब देखो है मतलब इसके बाद मेरे उसने ऐसे प्रार्थना नहीं किया, कैसे बोलूं, इसके बारे क्या है कि बहुत लोग प्रभु आ जाओ बोलने के लिए हिम्मत नहीं। अभी आपको मालूम है बाइबल का आखिरी एक किताब भविष्यवाणी की किताब है प्रकाशित वाक्य, उसका आखिरी शब्द ही बोल सकता है क्योंकि उसके बाद एक ही शब्द है, उसका आखिरी शब्द क्या मालूम है, आखिरी शब्द मतलब आखिरी का एक शब्द पहले है ना, जब प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय है उसका 20 अध्याय, क्या पढ़ा है, क्या बोला है, इस मसीह ने बोला मैं शीघ्र आ रहा है,
तो यूहन्ना क्या बोलते हैं? इसका मतलब क्या है? तैयारी में हैं? यीशु मसीह जल्दी आओ करके क्यों नहीं बोला? हैं? यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं शीघ्र आ रहा हूं। शीघ्र आओ करके क्यों नहीं बोला? हैं? क्यों नहीं बोला? बोला है कि नहीं? हैं? आओ करके बोला। प्रभु ने क्या बोला? शीघ्र आ रहा हूं। यूहन्ना ने क्या बोलता? इसका मतलब शीघ्र कराओ करके बोला। कैसे बोला? उसने आमेन बोला। समझ में आया? हाँ, वो आमेन के अंदर प्रभु जैसे आपने कहा ऐसे ही आओ बोले। समझ में आया? शीघ्र आओ करके वहां पर शब्द में नहीं लिखा, परंतु उसने तुरंत कहा बोला आमेन। बोलेगा तो प्रभु जैसे आपने बोला वैसे ही आओ। समझ में आया? योहन्ना ने क्या बोला? शीघ्र आओ। योहन्ना ने क्या बोला? शीघ्र आओ, जल्दी आओ। हमें अब लोग आमेन नहीं बोलते ना? अब लोगों का विश्वास इतना पक्का है। भेज रहा हूँ प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। कई बात मतलब हम लोग मतलब कई बार सोचते हैं कि अरे योहन्ना जल्दी आने के लिए क्यों नहीं बोला, है ना? अगर हम उसका भी सही रीति में आत्मा में रह करके वो मतलब पढ़ करके समझेगा तब समझेगा। योहन्ना बराबर बोला, योहन्ना को गलती नहीं हुआ, वो तो एकदम आत्मा में ही था। उत्तर सही दिया, आमेन। प्रभु जैसे आपने कहा ऐसा सीख रहा हो, मतलब ऐसा ही आओ, मतलब सीख रहा हो बोलने का अर्थ हुए। प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज हमारे जीवन में, आज हम लोग अभी प्रभु मेश की चारों तरफ इकट्ठा है, कैसे हम प्रभु का मेश में शामिल होता है? जीवन में हम लोग सही रीति में एक फर्क परखा क्या? क्योंकि मेष में शामिल होने से पहले क्या करना चाहिए? अपने आप को परखना चाहिए, अपने आप को जांचना चाहिए। मेरे जीवन कैसा है? मेरे जीवन में प्रभु को दुख देने वाला या प्रभु से दूर जाने वाला कोई भी बात मेरे से हुआ है क्या? आपको मालूम है प्रभु से दूर करने वाला बात क्या है? पाप है। पाप के बारे में हम लोग बहुत बातें इन दिनों में, अभी 11 क्लास उसका हुआ है। आपको मैं बताना चाहता हूँ प्रियो, कोई भी प्रकार का पाप हमें प्रभु से निकट नहीं करेगा, हमको प्रभु से दूर करेगा। ऐसे है तो हमें किस प्रकार इन बातों से बच करके जीवन बिताना है, ये बात को हमें सही रीति में जानना चाहिए, है ना? आइए अपने आँखें बंद करें, एक क्षण अपने आप को बाहर के प्रियो। मेरे जीवन